नमस्कार दोस्तों, सेफ शॉप चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश कुमार, आज की वीडियो में हम सभी लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में MLM इंडस्ट्री में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। तो फेल होने का कारण मैं आज एक सांप और सीढ़ी वाले लूडो के गेम के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों लोग फेल हो जाते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि सभी को मालूम होगा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों के पास में घर में रहने का समय था और इस प्रोडक्टिव समय को कहीं ना कहीं वो किताब पढ़ने में अपने, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने टीवी न्यूज़ चैनल को देख करके अपना समय को व्यर्थ किए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वो कुछ कोरोना के क्या कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव कितने स्वस्थ हुए कितने अस्वस्थ हैं तो वो स्टैटिक्स के ऊपर में बहुत सारे लोगों ने गौर किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज इस लॉकडाउन में लूडो गेम भी बहुत सारे लोगों ने खेला है। इसी तरीके से बहुत साल पहले भी मैंने और अपने परिवार के साथ में जब लूडो गेम खेलता था तो उसमें एक गेम आता है सांप और सीढ़ी का। जिस सांप और सीढ़ी को कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में हमने दोबारा देखा और देखने के बाद में इच्छा जाहिर हुआ कि एक बार सांप और सीढ़ी गेम खेलना चाहिए। तो सांप और सीढ़ी वाले गेम में कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये सांप और सीढ़ी का गेम, क्या इससे कोई कनेक्शन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कि आखिर लोग फेल और असफल क्यों हो जाते हैं, आखिर क्या कारण है कि अपने जीवन में 100% सफलता लेना है तो कहीं ना कहीं ये सांप और सीढ़ी वाला गेम काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है अट्रैक्टिव लगेगा। आप देखते होंगे कि लूडो का गेम में आप कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे लूडो का गेम में आप देखते होंगे चार कलर की गोटियाँ होती है, यानी एक रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन, ये चार कलर की गोटियाँ होती है। जिस गोटियों को आप कह सकते हैं कि आपके ये एसोसिएट हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं, जो आपके डाउनलाइनर्स कह सकते हैं या तो आपके अपलाइन हैं, ये आपके एक तरह से सहयोगी हैं, ठीक है, ये आपके एसोसिएट हैं, ये चारों के चारों एसोसिएट हैं। अब इसको मैं रखता हूँ, इसके साथ में दूसरा एक चीज़ और है जिसको कहते हैं जो पासा, जिसको डाइस कहते हैं, जिसमें एक से लेकर के छः नंबर तक उसमें रहता है। उस पासे को हम जब फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं 1, 2, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। तो पासा को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो पासा जो है वो हमारा नंबर ऑफ प्लान है। यानी मैं अगर पासा एक बार फेंकूँ और उस पासे में कहीं ना कहीं 2 आया तो कहीं ना कहीं वो हमारा नंबर ऑफ प्लान 2 हुआ। अगर मैं 6 फेंकूँ तो एक दिन में मेरा प्लान 6 प्लान हुआ। अगर मैं 10 बार फेंकूँ और 10 बार अगर 2, 3, 4 ऐसे करके आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारा नंबर ऑफ प्लान हो रहा है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपने गोटी को आगे बढ़ाते हैं, यानी अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। किसी किसी जगह पे बहुत से लोग ये नियम रखते हैं कि जब 2, 3, 4, 5 अगर आती है तो आप बाहर नहीं निकल सकते, अगर 1 आती है तभी आप बाहर निकल सकते हैं, या तो 6 आती है तभी आप बाहर निकल सकते हैं। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक चीज़ है, क्राइटेरिया है कि आप तभी इस बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे जब आपके साथ में 2 लोग आएंगे तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे जगह होता है कि जहाँ पे कुछ लिमिटेशन होती है कि आप 2 लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करा देंगे तभी आपकी इनकम आएगी। कुछ जगह पे ऐसी भी होती है कि 3 लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे तभी आपकी इनकम होगी, बट यहाँ पे हमारे सेफ शॉप में सिर्फ 2 लोगों की दरकार होती है। तो कहीं ना कहीं 2 लोग जब हमारे बिजनेस में आ जाती है तो हमारी इनकम चालू हो जाती है। उसी तरीके से सांप और सीढ़ी वाले गेम में जब मैं पासा फेंकता हूँ तो 1 या तो 6 आता है तभी मैं उस वहाँ से बाहर निकल के अपने खाने को जो है कंप्लीट करते चला जाता हूँ। और उसमें आप नंबर देखेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक होता है, यानी कि आप 100% सक्सेस होना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरते हुए वो आपको 100% सफलता तक पहुँचना पड़ेगा। जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे तो आप जब पासा फेंकते चले गए, यानी आपने अपने प्लान दिखाता चला गया, प्लान दिखाने के दरमियान में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, यानी आपके ऐसे कुछ आपके बिजनेस में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपका सीढ़ी का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसकी फेस वैल्यू काफ़ी अच्छा है, उनके बोलने मात्र से बहुत किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर देते हैं या इस बिजनेस प्लान को रिकमेंड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ में 10, 15, 20, 25, 50 लोग ऑलरेडी तुरंत ज्वाइन कर जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी किसी के साथ में, तो वो सीढ़ी का काम करते हैं। अगर आप 10% सफलता पे पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं वो 30% सफलता दिलाने में आपको वो लोग योगदान करते हैं। तो ऐसी सीढ़ियां बहुत सारी आपको मिलेंगी जो आपको वहां तक 100% सफलता पहुंचाने में कामयाब होगी। कभी भी आप देखोगे कोई भी सीढ़ी ऐसा नहीं होगा जो आप अगर 10% पे होना तो 10% से डायरेक्ट 100% पे कभी भी कोई भी सांप और सीढ़ी वाले गेम में आप नहीं देखोगे कि 100% पे आप डायरेक्ट पहुंच जाओ सीढ़ी लगा करके, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको
सीढ़ी के बाद आपको सांप से भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आपको सांप भी मिलेगा। और यहाँ पे मैं सांप को रिलेट करना चाहूँगा हमारे समाज के लोग, हमारे घर परिवार, हमारे दोस्त यार, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं वो सांप वाला काम करते हैं। सांप क्या करती है, सांप का वहाँ पे उस गेम में क्या रोल होता है कि आप जैसे ही उस सांप के लेवल पे, सांप वाले नंबर पे जब आप पहुंचते हैं ना, तो वो काटता है और सीधे चले जाते हैं आप नीचे कहीं ना कहीं। तो वो जहां लेकर के चला जाता है फिर से वही आपको काम करना पड़ता है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत से लोग वहीं पे क्विट कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कोई बात नहीं अभी मैं यहां से कटाऊं, फिर से मैं यहां से काम करूंगा और फिर से मैं प्लान दिखाऊंगा, फिर से मैं अपना पासा फेंकूंगा, तो हम निश्चित है कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जुनून के साथ में, अपने जोश के साथ में लगे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, तो वो डेफिनेटली वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं और आगे बढ़ते 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 कहीं ना कहीं हर जगह पर उनको सांप और सीढ़ी जरूर मिलता है। और उसी का मदद लेते हुए, उसी का मदद लेते हुए एक समय आता है कि वो 90% सफलता तक पहुंच जाते हैं। 90% सफलता के बाद कुछ ऐसी कंपनीज आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं लीडर्स पे फोकस करती है कि अगर इस लीडर को मैंने अगर अपने बिजनेस में लिया, अपने कंपनी में लेकर के आगे अपने अपने टीम में अगर ज्वाइन करा लिया, तो कहीं ना कहीं उसके साथ में ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लीडर्स ऑलरेडी रेडी हैं, अगर उनको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं उतने सारे लीडर हमारे पास में आ जाएंगे। कुछ कंपनी है, एक दो कंपनी है, सारी कंपनी के बारे में नहीं कहूँगा, कुछ ऐसी कंपनी है जो फोकस करते हैं सिर्फ दूसरे कंपनी के लीडर्स के ऊपर में। मैं उन सभी कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी लीडर के ऊपर में जो फोकस करते हैं, आप जितना ताकत आप किसी लीडर को लाने में कोशिश करते हैं, उतनी ताकत अगर आप फ्रेशर लेवल पर काम कर दें, अगर नए लोगों पर काम कर दें, नए लोगों पर अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में उसको पावर अगर समझा देना, तो आपका काम उससे 10 गुना बढ़ सकता है। बट हमारी ये सेफ शॉप इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं हमारा ऐसा कल्चर नहीं रहा है किसी दूसरे कंपनी के लीडर्स को हम ज्वाइन करा लें और हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से चल जाए। तो ऐसा हम लोगों का कभी हम लोगों का ये नहीं रहा है, कल्चर नहीं रहा है। बस हम लोग का एक ही चीज़ सोच विचार रहता है कि कहीं ना कहीं हम लोग काम करेंगे और फ्रेशर लोगों पे हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा बिजनेस बहुत अच्छा जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे लीडर्स जो हैं कहीं ना कहीं 90% सफलता पाने के बाद भी वहाँ पे भी एक दो सांप उनको मिलता है, वही जो कंपनी के बारे में मैं बताया। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो लालच देती है, बहुत सारे लोगों को लालच देती है, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट करते हैं कि ये कंपनी में ऐसा है वैसा है, बहुत सारा कुछ एग्जांपल्स दे करके जो है उनको कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो उस सांप से कटवा करके कहीं ना कहीं वो फिर बैक टू पवेलियन जहां से शुरुआत किए थे वहां पे वो पहुंच जाते हैं। और कुछ बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो उस सांप से बच करके वो 100% सफलता जरूर ले लेते हैं। जब जीत जाते हैं तो आपको कितना आनंद लगता है, कितना खुशी लगता है, उस दिन के रातों की नींद भी बहुत अच्छा आता होगा। और जिस दिन आपको लगता होगा कि अरे यार सभी का सभी लोग हमसे वो फर्स्ट आ गया, वो हमारे से सेकंड आ गया, वो हमारे से थर्ड आ गया और हम वो फोर्थ नंबर पे भी नहीं, अभी हम गोटी फेंक ही रहे, तो यहाँ पे किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो सकता है कोई अपलाइन अपना गोटी को फेंक ही रहा है, अभी भी उसको 100% सक्सेस नहीं मिला है, फिर भी उसके हो सकता है कि उसके डाउनलाइन पहले वो 100% सफलता पे पहुंच जाए, हो सकता है उसके अपलाइन भी 100% सफलता पे पहुंच जाए, इससे कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक एसोसिएट आपके साथ में है, आपको यहाँ पे हर एक आदमी आपको सहयोग करता है, कोई यहाँ डेमोरलाइज नहीं करता है। डिमोरलाइज अगर कोई करता है तो आपका समाज या तो आप अदर कंपनी के लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं, बल्कि आपके साथ में जो सहयोगी हैं, लाल ब्लू ग्रीन हरा पीला जो भी है, वो सभी का सभी आपके सहयोगी हैं। आप फर्स्ट नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, कोई हो सकता है आप 1 साल के अंदर में सफल हो जाए, हो सकता है 2 साल के अंदर में आप सफल हो जाए, हो सकता है आप 3 साल के अंदर में सफल हो जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए आपको, हो सकता है 5 साल भी लग जाए, या हो सकता है 10 साल भी लग जाए। अगर आप लगातार एक ही कंपनी में एक ही जगह पे एक ही जगह टिक रहे हैं और लगातार हर व्यक्ति का अगर इनकम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। और निश्चित है कि आपको पेशेंस के साथ में अगर आप काम करते रहते हैं, निश्चित है कि आपको भी 100% वो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इन बातों पर हमेशा ध्यान रखना है और 100% जब तक सफलता नहीं मिल जाए तब तक वो हमेशा एक ही जगह पर टिके रहना है। और कहा जाता है कि 100% सफलता मिलने के बाद भी आपके साथ में आपके नीचे जो भी लोग आ रहे हैं उन सभी लोगों को उसी लेवल पे पहुंचाना है, क्योंकि कभी भी कहा गया है कि ठहरा हुआ इंसान, रुका हुआ और पानी दोनों का दोनों सड़ जाता है। तो इसीलिए कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है, हमेशा लगातार चलते रहना है। निश्चित है कि आप इस बिजनेस के एक समय में आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी के रूप में आप जाने जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर एक ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।